फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। कैसे हो आप सब? आज मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। बैंगन जो हम सभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए एक बड़ा बैंगन। मैंने यहाँ पर लगभग 350 ग्राम के आसपास एक बड़ा बैंगन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके चारों तरफ मैंने अच्छे से तेल लगा लिया है। अब मैं उसे गैस पर हर एक कोने से उसे सेक रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, बैंगन हमारा अच्छे से सिका हुआ होना चाहिए। फ्रेंड्स, बैंगन के ऊपर तेल लगाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारा छिलका आसानी से निकल कर बाहर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं चाकू की सहायता से इसे चेक कर रही हूँ कि हमारा बैंगन अच्छे से सिका है या नहीं। बैंगन हमारा अच्छे से सिक चुका है और इसे लगभग सिकने में 5 मिनट लगे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस गर्म गर्म बैंगन के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जिससे कि हमारा छिलका आसानी से निकल कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस बैंगन के ऊपर पहले से तेल लगाया है तो ये छिलका उतरने में बहुत ही आसानी रहेगी। फ्रेंड्स, अभी बैंगन बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका छिलका उतारिएगा। ये छिलका आसानी से निकल कर बाहर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, किस तरह से बैंगन से धुआं निकल रहा है। बैंगन बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इसका छिलका निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने एक इस तरह का देगची लिया है। आप चाहे तो नॉनस्टिक पैन ले सकते हो या कढ़ाई भी ले सकते हो, लेकिन इस तरह की देगची में बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें लगभग करीब 1.5 बड़े चम्मच के आसपास तेल डाल दूँगी। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। जब तक तेल हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है, मैंने यहाँ पर ये देखिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने बड़े बड़े आकार में काट लिया है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। अदरक को मैंने बारीक काट लिया है। इसके साथ मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च लिए, उसे भी मैंने बारीक काट लिया, और 2 टमाटर लिए हैं जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है और मैंने यहाँ पर एक जो बैंगन लिया है उसे मैंने अच्छे से छील कर और उसे मैश कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड, तेल हमारा गरम हो चुका है, चटकना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें सबसे पहले अदरक ऐड कर दूंगी। ये देखिए अदरक किस तरह से चटक रही है। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके साथ साथ प्याज ऐड कर दूंगी। और प्याज को मैं यहाँ पर लगभग करीब 3 मिनट तक भूनूंगी, जब तक कि प्याज हमारा पिंक नहीं हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, करीब 1 मिनट के बाद प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। इसे मैं करीब लगभग 2 मिनट तक और भूनना है। फ्रेंड्स, बैंगन का भरता मेरे पापा का फेवरेट रेसिपी है। मेरे पापा इसे पाव भाजी वाली ब्रेड के साथ, पाव ब्रेड के साथ इसे खाना पसंद करते हैं। आप भी फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पाव वाली ब्रेड के साथ इसे एक बार खाकर देखिएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा पिंक हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने टमाटर काट कर रखे उसे भी ऐड कर दूँगी। इसके साथ साथ 2 हरी मिर्च काट कर रखी है उसे भी ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। अब इन सब मसालों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और मैं इसे लगभग लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी।
जब तक कि हमारे टमाटर मैश नहीं हो जाते। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और मसाले से तेल निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं इसी कड़छी से इसे थोड़ा सा और मैश कर रही हूँ, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह का बर्तन लिया है ताकि हम इसमें कड़छी से इसे अच्छे से मैश कर सकें। अब मैंने जो यहाँ बैंगन लिया था उसे भी ऐड कर दिया। अब इस बैंगन को भी मैं इसी कड़छी से अच्छे से मैश करूँगी ताकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए बैंगन का। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसे भी लगभग 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक कि हमारे बैंगन में से तेल निकलना शुरू नहीं हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, बैंगन से तेल निकलना शुरू हो चुका है और ये हल्का हल्का नीचे की तरफ लग चुका है। अगर ये इस तरह से हल्का सा भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए, इसीलिए इसी तरह के बर्तन का यूज़ किया जाता है ताकि इसमें जो बैंगन का जो इस तरह से बर्तन पर लगकर बाहर निकल कर आना वो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी बना है। आप इसे एक बार रोटी के साथ, पाव के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। बैंगन का भरता बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, पाव के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।